उसके बाद अगर जाए तो ठीक है, तो वो डोमेन परचेज करते हैं, उसके बाद होस्टिंग परचेज करते हैं। ठीक है, डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया परचेज। चलो रे जरा अब सीधे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे, वहीं से बताएंगे आगे। देखो डोमेन परचेज बता दिए थे, डोमेन कैसे परचेज करना है। तो जैसे लिखा तुम होस्टिंगर लिखा, इंटर मार दिया और नीचे आ गया लॉगिन में गया। अभी हम किसी का डोमेन परचेज करके दिखाते हैं। ठीक है, परचेज का बता दीजिए कि परचेज करना पड़ता है। अभी एक साल का सीधे रिन्यूअल करवा लेंगे। एक साल का पेंडिंग पेमेंट भी है सर, सारी पेपर। अब देखो जैसे कि हम लोग गए यहाँ से और यहाँ से चल गए डोमेन में, ठीक चले गए न्यू में गए कैप ब्लॉग डॉट ऑनलाइन, इंटर मार दिए। मैं मोबाइल ले तो नहीं, डोमेन ले रहे हैं कैप ब्लॉग ऑनलाइन। अब यहाँ से ले लिए, देख रहे दिस डोमेन इज सुटेबल फॉर द पर्सनल ब्लॉग वेबसाइट, बता भी दिया। यहाँ गए के आई एफ कैप ब्लॉग, अब यहाँ से ले लिए एक साल के लिए, कितना लग रहा है 106 रुपये। चूक पेमेंट में चले गए और पेटीएम में चले गए और कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ अभी तुरंत जोड़ के दिखाएंगे। हो गया कैप ब्लॉग ऑनलाइन परचेज हो गया। अब देखो यहाँ पर एड्रेस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लिक कर दिए फिनिश रजिस्ट्रेशन। ग्रेट न्यूज, कंटिन्यू पर क्लिक कर दो, आ गया। अब देखो लिखा हुआ कनेक्ट योर वेबसाइट इन योर होस्टिंग प्लान, तो होस्टिंग लेने नहीं रहेगा तो भी ऑप्शन आएगा। तो जैसे क्लिक करेगा नया, हमको नया होस्टिंग लेना है तो यहाँ पर क्लिक करो, नया होस्टिंग का ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पर ये ऑप्शन जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो है मेरा खरीदा हुआ है तो मेरा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आ गया देखो ऑनलाइन स्टोर ब्लॉग वेबसाइट पोर्टफोलियो अदर, और ये स्किप डोंट वेट टू पर्सनलाइज एक्सपीरियंस पर क्लिक कर दो। और देखो कह रहा है क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, आ रहा है, और माइग्रेट योर वेबसाइट, तो हम ले लेते हैं स्किप इम्पट्टी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। फिर कह रहा है कि डोमेन ले लीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अभी दिए हैं, आ गया। अब फिर मैनेज वेबसाइट, मैनेज साइट, मैनेज साइट पर क्लिक कर दिए, समझ में आया। अब यहाँ पर वर्डप्रेस हम शुरू से इंस्टॉल करेंगे, आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑटो इंस्टॉल है ना, ऑटो इंस्टॉल, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब हमको यहाँ पर देखो कह रहा है वर्डप्रेस ले लीजिए, वर्डप्रेस पर ले लिए। अब यहाँ पर डाल देते हैं कैप, अब यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं KAIF कैप @ 1234 क्या,
जितना बनाएंगे तो उसका तो बार बार ऐसे तुम पूछेगा नहीं, ये जब भी तुम व्हाट डोमेन और होस्टिंग इंटीग्रेट करोगे ना तो यही प्रोसेस है, यही सेम प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट कर दो इंस्टॉल, ये वर्डप्रेस में इंस्टॉल हुआ 24 घंटा के अंदर इसका एक्टिवेट हो जाएगा। तुम दिया था ना पैसा रे? एक डोमेन से तुम 75 वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन लाइव एक ही को होगा जो तुम्हारा फ्रंट में रहेगा। सर जो 75 वेबसाइट बनाएंगे तो वो काम करेगा? हाँ, तो तुम 15 में ये लाइव कर दो, 15 में वो लाइव कर दो, 15 में वो लाइव कर दो, जो माने वो चेंज करते करते। हाँ, लेकिन एक ही वेबसाइट बनेगा, एक ही वेबसाइट बनेगा। अब देखो और खरीदते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर चल जाएंगे डोमेन में, फिर गेट न्यू डोमेन में आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज ब्लॉग डॉट ऑनलाइन। मिल गया 75 रुपये में, इसका भी खरीद लेते हैं। अब 1 ईयर के लिए है? एक साल के लिए। हाँ, चलो पैसा दे दिया है। देखो लैंडिंग पेज तुम 10 को बनाओ, 10-12 ऐड चला, कोई दिक्कत नहीं, एक ही वेबसाइट, एक ही डोमेन से। लेकिन वेबसाइट तुम एक ही को बना सकते हो, जो वर्क करेगा, जो वर्क करेगा। लैंडिंग पेज तुमको जितना बनाना बनाओ, अलग अलग ऐड चला, एक ही डोमेन पर 75 को लैंडिंग पेज बनेगा, जब 75 जगह तुम शेयर कर सकते हो। फिर फिनिश रजिस्ट्रेशन में जाओ, वही प्रक्रिया देखो हो रहा है। अब रटा गया होगा ये वाला, फिर कनेक्ट, फिर स्किप, फिर स्किप, फिर यहाँ से सेलेक्ट, मैनेज, ऑटो इंस्टॉल, ऑटो इंस्टॉलर, देखो 24 घंटा लेगा ना अभी। वर्डप्रेस, पंकज, इसका भी हो गया। वर्डप्रेस से ही बनता है, बिक्स से भी बनता है, शॉपिफाई से बनता है, जहाँ से तुम बना सकते हो। वर्डप्रेस में है कि फ्री में बनता है, खाली डोमेन होस्टिंग ले लो बन जाएगा। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा वर्डप्रेस तो नहीं है, सबसे अच्छा कोडिंग है। कोडिंग सर वहाँ भी जाएंगे, कोडिंग में तो माता इधर तो उधर। हाँ, तो फिर क्यों माता करे उससे? तो उससे मुताबिक वर्डप्रेस सबसे अच्छा है। जो कोडिंग करे अगर उसके लिए वर्डप्रेस हो जाएगा तो खराब होगा। हाँ, लेकिन वो भी वर्डप्रेस में काम करता है। यूट्यूब में देखे थे वीडियो कि जैसे गूगल कुछ सर्च करता है तो सबसे ऊपर लिंक रन कर रहा होता है, उसको एसईओ बोलते हैं। वही बताएंगे हम। दो खरीदा गया। अब देखो इसमें अगर SSL डालना है, मतलब लॉक वाला सिंबल, देखो यहाँ क्या दे रहा है, SSL सर्टिफिकेट, री इंस्टॉल करो। अब
अब इसके में SSL भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब तुम लोग पैसा भेजो, तुम लोग अभी कर दे रहे हैं। तुमको डोमेन लेना है? क्या चीज में आया भाई? सर हम कल लेंगे, कल क्या लग गया ना तो बैठना होगा। ठीक है जी, फादर हमारा बिजी कॉल कर हो गया। इस तरह से तुम अपना डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कर सकते हो। अब तुमको क्या करना है, डोमेन होस्टिंग को चालू करना है। तो ये देखो, एक स्टूडेंट लिया था, ये क्या कर रहा है भगवान वाले का। सर आप देख सकते हो उसको जो लिया हुआ? हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। जादूगर ना, हमारे पास कंट्रोल पैनल है ना, मेन कंट्रोल पैनल। हाँ, वो हम नहीं देते हैं। होस्टिंग हुआ तो मेरा ही है ना, तो होस्टिंग के लिए भी अलग पेमेंट करना होगा? नहीं, 500 में दोनों। तो फिर दोनों तो वही दिया सर, होस्टिंग गधा। होस्टिंग खरीदे हैं वो हम पहले से। होस्टिंग खरीदना है तो फिर होस्टिंग में जाओ और लो, देखो मेरा होस्टिंग लिया हुआ है, न्यू होस्टिंग प्लान लो। ठीक है, न्यू होस्टिंग प्लान में गया, कितना लग रहा है? एक महीना का। तो 4 साल? हाँ, तो हमको हर एक महीना 2000 लगता है इसका। तो खाली होस्टिंग का, उसमें इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट ही सब में है। देखो 4 दिन में एक्सपायर कर जाएगा, लेकिन अब लेंगे तो 1 साल वाला ले लेंगे। देखो अगर रिन्यूअल करेंगे ना, तो देखो क्या कर रहा है, कौन कितना दिन वाला लेना चाहता है। 48 महीना वाला लेंगे ना इसका, तो हमको लग जाएगा 2000 एक महीना वाला है। 48 महीना लेंगे तो 72000 लगेगा। 12 महीना लेंगे कितना लगेगा? 20000 24 महीना वाला लेंगे तो इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। सर आपको मैं जो पहल है आप उससे देख सकते हैं कि आप क्या कर रहा क्या ले। हाँ, उसके बाद जैसे कोई कंपनी अगर काम देता है उसको, उसका पास वो अपना दे रहा है, मतलब अपना वो सिर्फ एक ही डोमेन उसको दिए, वो अपना कुछ करे उसमें, फिर दोबारा लेगा तो पैसा लेंगे। एक ही व्यवसाय बना सकता है वो अपना, वो उसको खोलने के लिए। जैसे ये पंकज ब्लॉग है, ठीक है, एडमिन पैनल आ रहा है ना, जैसे यहाँ पंकज ब्लॉग है, इसमें पंकज को एक आईडी पासवर्ड मिल गया। ठीक है, अभी नहीं कनेक्ट हुआ है। जैसे मान के चलो कि ये राम प्रसाद ब्लॉग है या शिव शंकर ब्लॉग है, जैसे क्या ना साकार ब्लॉग, तो ये जैसे एक्स का एडमिन पैनल है। ठीक है, अब इसमें इसका आईडी पासवर्ड क्या है? जैसे मान के चलो कि हम लोग है GMT लेवा गया, तुम्हारा लेवा गया GMT गोलू मोलू ब्लॉग, तो लिखो कैसे खोला जाता है। लगा गया है वेबसाइट तुम्हारा? बता दीजिए सर। क्या बता दें? बना दीजिए। हाँ, लगा गया, कल चालू होगा। कल चालू। www.pankajblog.online/wp-admin। यूजर आईडी है roshan.kmr75, पासवर्ड है pankaj@1234।
ये इसका है, ठीक है, तो ये वाला टाइप करना होगा ऊपर में। तो मान के चलो कि हम दूसरा कोई इसी का खोलते हैं, जैसे राम प्रसाद है, डिवाइस है, पंकज है, कृति ब्लॉग है, साकार फाइल कर दिया और हम नहीं खोल, जैसे कि ये आपका खुला होगा, अगर हम लैपटॉप में खोलते हैं तो ये नहीं खोल पाएगा, तुम ये पैनल नहीं खोल पाएगा। तुम खोल सकते हो बस URL से www. जैसे शिव शंकर आया, अब ये शिव शंकर WP यही तुम खोल पाएगा, बस ये। हाँ तो फिर डोमेन होस्टिंग, तो होस्टिंग मेरे पास है, तुम डोमेन भी लोगे तो होस्टिंग लोगे, तब तुम अपना पर्सनल कर सकते हो। तो फिर हम तुमको ऐसा पैनल देंगे जो दिख रहा है, ये सर्च करना होगा www.xyz.com, उसमें नहीं, उसमें खुल जाएगा, खुल गया, देखो ये खुल गया, खुल जाएगा। हाँ देखो शिव शंकर का ही है, तभी तो बोले पैसा जमा करो ले बा देते तुरंत, पूरा काट दिए, देखो पूरा कट गया। अब यहाँ गए तो google.com ओपन कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर से हम मान के चलो ये ले लिए राज का, और लिखेंगे www.sujatablog.online/wp-admin, इंटर मार दिए, ये लिखना जरूरी है, sujatablog/wp-admin, हेडिंग ने उसको URL स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ID क्या है, यूजर ID है रोशन KMR75, बट sujatablog.online के यूजर ID ये है। अब पासवर्ड इसका sujata@1234, समझ में आया। अब यहाँ जाओ और ID पासवर्ड सबका अलग अलग है, हो गया। अब ये देखो खुल गया, सबसे पहले ये स्क्रीन को तुम साफ करो, पूरा गंदा लग रहा है, तो यहाँ जाओ और इस पर माइनस कर दो, ये साफ हो गया। दूसरा क्या करना पड़ेगा हमको, इतना करने के बाद पहले थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा, थीम मतलब वेबसाइट का लुक कैसा दिखेगा, वो हो गया थीम, क्या हो गया वो थीम। तो इसके लिए जाना होगा हम पहले एप्रिसियंस में, और क्या लिखा है थीम है ना, थीम के बाद ये सब पहले हटा दो, आ गया। अब तुम लोग हम अभी 5 क्वेश्चन बताएंगे और वही 5 प्रैक्टिस करना है, हाउ टू इंस्टॉल द थीम, और दूसरा बताएंगे हाउ टू डिलीट द थीम, ठीक है। तीसरा बताएंगे हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू यूज सेटिंग, हाउ टू क्रिएट मीनिंग, हाउ टू डिलीट मीनिंग, इतना। अगला क्लास पैसा दे देगा, ठीक है, हम भुला जाएंगे, अभी मेरा लैपटॉप जो है ना गया बनने के लिए, तो फिर सर कल लेंगे, आज पैसा भेजेगा, शाम को फोन कर देना 6-7 बजे, ठीक है सर, ले लीजिए तब ले पाएंगे, तो भूल जाएंगे, ठीक है सर, आपको कॉल कर देंगे, तो फिर पता चला एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम ले जाएगा। ठीक, अब देखो थीम कैसे इंस्टॉल करेगा, थीम पहले जाना है प्रेसेंस में, और क्या लिखा है थीम, ऐड न्यू में जाना,
और यहाँ पर थीम सर्च करो ओसेन डब्ल्यू पी, ओ सी सी ई एन डब्ल्यू पी, और इसके बाद ओ सी ई ए एन डब्ल्यू पी, इसको इंस्टॉल करो। इसे डाटा जा रहा है इसे? इसमें डाटा भी कट रहा है। एक गधा डाटा कटेगा ना, इंटरनेट पर कर गधा वाला बात करता है। अब हो गया, अब यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पर क्लिक कर दो, हो गया। ये एक प्लगइन देता है जो कि वर्डप्रेस के साथ, मतलब कि ये थीम के साथ रहता है। जैसे मैगी लेता है ना, मैगी में मसाला देता है, तो उसी तरह से थीम है मैगी, और जो प्लगइन इंस्टॉल किया उसको हो गया मसाला। तो मैगी के साथ मसाला डालेगा तो ना मैगी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैगी में दम नहीं होता, मसाला में दम होता है, समझ में आया। तो थीम जो डाला हुआ मैगी, और जो अभी प्लगइन इंस्टॉल किए हो गया मसाला। अब हो गया इंस्टॉल, ठीक। अब कुछ मत करो, फिर से आ जाओ डैशबोर्ड पर। दूसरा, अब थीम, अब एडिट कर, डिलीट करना है थीम को, तो फिर से थीम में जाओ, अब इसको डिलीट करो, यहाँ जाओ डिलीट करो, अब फिर से ऐड न्यू करो। अब यहाँ पर हम लिखे एस्ट्रा, ए एस टी आर ए, अब इसको इंस्टॉल कर दें, इसको एक्टिवेट कर दिए। कुछ भी इंस्टॉल करने के बाद डिलीट, अब इसको डिलीट करना है तो इसको डिलीट कर दिए। अब इसको एक्टिवेट करेगा तो इसके साथ भी एक प्लगइन आया था, इंस्टॉल स्टार्टअप टेम्पलेट का, तो जिसको भी इंस्टॉल करेगा वही कहानी है, उसके साथ एक टेम्पलेट आएगा ही आएगा। तो हम लोग सबसे बेटर वही समझते हैं ओसेन डब्ल्यू पी को, इसी को इंस्टॉल करो। अब बाकी जितना भी अलतुआ फलतुआ है सबको क्या करो, डिलीट। ये होती है सर, जो आप जो डाउनलोड कर रहे हैं सर, वो डाउनलोड कुछ भी, मतलब जैसा काम रहा कुछ भी डाउनलोड करके उसको अपलोड कर सकते हैं? हाँ, थीम मतलब बन गया तुम्हारा, कढ़ाई तैयार हो गई है। अब उसमें तुम चिकन बनाओ, मटन बनाओ, मछली बनाओ, अंडा बनाओ, जो बनाना है बनाओ, ठीक है। तो ये कढ़ाई बन गया, अब मसाला के लिए तुम तो डालिए दिया उसे डब्ल्यू पी एक्स्ट्रा, कोई मसाला हो गया। अब क्या बनाना है, मटन बनाना है, चिकन बनाना है, जो बनाना बन है, तो जो बनाना है, जिम का वेबसाइट बनाओ, कोचिंग का वेबसाइट बनाओ, जो बनाना है। लेकिन उसके पहले तुमको मीनू क्रिएट करना पड़ेगा, थीम, उसमें थीम रखना। हाँ, यहाँ पर मीनू, मीनू मतलब हो गया कि उसमें क्या क्या डालेगा, कैसा कैसा पेज रहेगा। जैसे देखो, किसी का जिम का वेबसाइट देखते हैं, जैसे गोल्ड जिम, देखो गोल्ड जिम है, देखो इसका पेज है बना हुआ, गैलरी का, प्रोग्राम का, फ्रेंचाइजी का, एडवर्टाइजमेंट का, ऐसा पेज वो रखना चाहता है। हाँ, जितना कंफर्म करके ना करेंगे सर। हाँ, तो तुमको पेज बनाने आना चाहिए ना। देखो रहा, इसका विराट कोहली प्रचार कर रहा है गोल्ड जिम का, वाह। नहीं रे, रियल पैसा बहुत लिया होगा। हाँ सर, ये लोग पैसा बहुत ये लिया होगा, कम से कम 5 करोड़ रुपया। तो सर, असर भी जिसका है उसी का गोल्ड जिम है, पागल है क्या? हाँ जी। अरे वो फ्रेंचाइजी ले ले है। नहीं, असर भी जो है ना, जिनका असर भी जिम का है ना, तो देखिए उनका जो छोटा वाला बेटा ना, वही संभालता है। गोल्ड जिम जो है ना, वो फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी है, ठीक है। वो क्या है ना कि फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में, गोल्ड जिम। हाँ, तो वो गोल्ड जिम यहाँ फ्रेंचाइजी लिए हुए है। तो वो फ्रेंचाइजी लिए हुए। हाँ, पूरा गोल्ड जिम उनका थोड़ी है, गोल्ड जिम उसका नहीं है, वो फ्रेंचाइजी, जैसे द फ्यूचर ट्रैक का फ्रेंचाइजी 12-15 जगह मेरा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ ऐसा जिम होगा तभी तो। हाँ, ये थोड़े विराट कोहली से प्रचार करवा पाएगा, जितना का जिम है उतना विराट कोहली पैसे लेगा। गोल्ड एक नाम ब्रांड है, मतलब वो कंपनी ये है सर आपका, तो वो आपका ऊपर जो होगा वही। हाँ, वो प्रचार करवाता है, मतलब कंपनी अलग, मतलब कंपनी एक है, ब्रांच अलग। हाँ, कंपनी है गोल्ड जिम, जैसे SBI उसका नाम है, बाकी उसका ब्रांच अलग अलग, बस वैसे ही। नहीं तो जितना का इसका जिम है उतना तो विराट कोहली प्रचार करने का ले लेगा, दे पाएगा सर की जो उतना उसका प्रचार का पैसा है। ये और बनाया था यहाँ पे उनका, तभी बोल रहा है विराट कोहली को ये लोग बुला पाएगा, बताओ। विराट कोहली एक पोस्ट डालने का 1 करोड़ रुपया लेता अपना इंस्टाग्राम में,
सर कितना तो करूँ, मैंने 15 करूँगी तो शुक्र से करूँ तो वही 40 करोड़ एक पूछ लिया तो बीच में भाई जो इंडिया पाकिस्तान मैच खत्म हो तो उसके बाद उमा का दिखेगा करोड़ों का भी। चलो देखो तो इसका पेज कैसे बनाया जाता है ऐसा, तो इसके लिए तुमको जाना होगा पहले यहाँ पर डैशबोर्ड में और यहाँ से देखो क्या लिखा है पेज और ऐड पेज। तो हम 5 को पेज अभी बनाते हैं। एक बनाते होम 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 पेज और पब्लिश कर देते हैं, होम पेज हो गया। फिर यहाँ से बैक में आ जाओ, फिर यहाँ से आ जाओ, फिर ऐड न्यू करो। एक बनाते हैं अबाउट अस, उसे बाहर है। एक बनाते हैं कॉन्टेक्ट अस, कुछ यूनिक भी बता सकते हैं सर। हाँ हाँ जो है सर्विस पे, हाँ अभी पूछेंगे और जाओ ना। हो गया पेज बनाने आ गया। अब हाँ जो भी है अब इसका मीनू बनाओ। पहले देखो मीनू नहीं दिखेगा, नहीं नहीं मीनू, अब हम मीनू कैसे बनाएंगे। तो मीनू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हमको एप्रिसियंस में और क्या लिखा है मीनू, ठीक है मीनू में चल जाओ। अब देखो वो जो प्लग इन है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है क्या, एक मिनट, वो प्लग इन है ओसेन एक्स्ट्रा, ठीक है। हाँ अब मीनू बना, तो यहाँ से आ जाओ ऐड न्यू एप्रिसियंस और मीनू में आ जाओ। आ गया, अब यहाँ पर लिखो मेन मीनू, मेन मीनू और यहाँ से कर दिया कर दो क्रिएट। आ गया, अब इसमें पेज ऐड करो, सर्विस पहले ले लो होम पेज, फिर ले लो यहाँ से सर्विस पेज, ये 3-4 और यहाँ से ऐड करो कैटेगरी है सर, ये मतलब जिसे अपलोड करना, जैसे पहले हमको होम पेज रखना है तो होम पेज उठा के डाल दिए, फिर रखना है अबाउट अस तो अबाउट अस डाल दिए, ठीक है, फिर रखना है कॉन्टेक्ट अस इस सर्विस, अब सेव कर दिए। अब यहाँ से सुजाता ब्लॉक में जाओ, देखो एक मिनट मीनू है ना, तो मीनू में यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोमेटिक ऐड न्यू टैब कि टॉप बार कि मेन मेनू, मेन मेनू पर क्लिक नहीं किए थे, अब ऐड कर दो। अब जाओ यहाँ से बैक करो, देखो आ गया ना यहाँ पर तो मीनू। अगर तुम नीचे लाना चाहते हो कि नहीं सर यहाँ पर भी आ जाए तो अच्छे रहेगा नीचे, हाँ तो फिर यहाँ से डैशबोर्ड में आ जाओ, अब फिर यहाँ से प्रिंसेंस में जाओ और मीनू में जा जाओ, और इस बार ले लो यहाँ से सर नीचे भी फूटर में आना चाहिए तो फूटर में भी ले लो, देखो और यहाँ से जाओ विजिट वेबसाइट में जाओ, अब फूटर मीनू भी देखो यहाँ पर आ गए। अब टावर तुम लोग धर रहा है लेकिन पहले जहाँ तुमको पसंद है, हमारा काम है बताना कस्टमर का डिमांड के ऊपर। अब तुम मुंह मान के चलो कि कर रहे कि नहीं सर, बहुत कुछ ऐसा देखने का भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा पेज है जो हमको नीचे रखना है, कुछ ऐसा पेज है जो ऊपर रखना है, तब क्या करेगा जरूर उस स्थिति में जानते क्या करना पड़ेगा, तुमको फिर एक नया मीनू जनरेट करना पड़ेगा सर। ऐसे बनाते बनाते तो सर दूगो तो मीनू कम से कम बनाना होगा ना, फिर यहाँ लिखो जैसे मेन मीनू हुआ ना, तो वहाँ पर यहाँ पर से हटा दो इसको फुटर मीनू से, सेव करो। हाँ सेव कर दिया, अब एक नया बना लेते हैं और फुटर मीनू, तो वो अभी हम आगे बताएंगे उसके पीछे मत करो, इतना हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको रिफ्रेश कर दे रहे हैं, यही सुजाता वाला पर तुम लोग प्रैक्टिस करो। एक वो आता है दो लड़का आता है टैली डीसीए करना है, ये लोग दोनों जैसा है ठीक है, लेकिन तुम लोग ठीक है, वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा बदमाश है। वो आता है 5 बजे क्लास है, आता है 5:30 बजे,
इधर से उधर से आता है, ऐसे ऐसे करता है, उसके बाद 6 बजता नहीं है, चल जाता है। सर वही ना, हाँ जो है राज सर बहुत ज्यादा का नहीं। एक भाई नाम का लड़का आता है डीसी के, वो तो हमने जानता नहीं आता आता होगा